आमिर निजामी, इनके बड़े भाई। इनके वालिद ताहिर अली जो है उनका अचानक 2 साल पहले इंतकाल हो गया। तकरीबन 750 साल से हमारा ताल्लुक है दरगाह निज़ामुद्दीन वली में हुए लेगी और हज़रत अमीर खुसरो से। हमारे वालिद ने जो है बहुत मेहनत की, उस्ताद जाफर निज़ामी कवाल, तो ज़ाहिर पूरी ज़िंदगी उन्होंने बुजुर्गान ने जिनका जिक्र किया, नाम लिया, तो फारसी उनके जो ये कारनामा है, एक कारनामों में से एक ये था कि हमारे वालिद ने जो फारसी के कलाम जो थे उसको एक जगह करके नगमात समा दीवान जो छपवाया। कवाली की इब्तदा तो बहुत पुरानी है, समा जिसको महफिल समा भी जाए समा कहते हैं उसको, तो इब्तदा ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज अजमेर शरीफ से इसकी इब्तदा हुई। लेकिन इसको उरूज जो मिला है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से, और हज़रत अमीर खुसरो ने इसको बामे उरूज तक पहुँचाया। पूरा हिंदुस्तान वो मुसलमान हुआ इस कवाली के जरिए। 90 लाख कमोबेश 90 लाख मुसलमान जो है इस कवाली के जरिए करा, इस दिन फैलाया, और जितने पुराने दिन उन्होंने सबका यही मिशन रहा है। सबसे पहले असल में आलाप होता है, जब जब तक आलाप भी पक्का नहीं हुआ ना तो फिर आगे बेकार है। और आलाप भी जो हमारा हापड़ घराने के जो धुरपद आलाप, हमारा आलाप भी कुछ एंटिक स्टाइल है। तो आलाप, फिर बंदिश, फिर उसमें नोटिशन, फिर उसके बाद जो है कवाली में इस चीज़ को लाना, एक बहुत सीखने से पहले बहुत हार्ड लगता था। जब मेरे पापा ने, मेरे चाचा ने थोड़ा बताया समझाया तो अब ऐसा लगता है कि इससे आसान कुछ है ही नहीं। जब से पिया सौतन मस्कीनो, जब से पिया सौतन मस्कीनो, रतियां कटत मोहे तारे। जो यहाँ इस इलाके में जो रहते हैं वो खानकाही कबाल है, उनका कोई दरगाह शरीफ नहीं था। अब खानकाही कबाल किस तरह है, दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की जो वहाँ की दरगाह की चौकी है, हम लोग चौकी कहते हैं, चौकी कहते हैं। जैसे आजकल तो पार्टी ग्रुप कहने लगे, पहले चौकी कहते थे, तो ये पहचान होती थी कि भाई चार आदमी होते हैं। ये उस्ताद शागिर्द जो है जाहिर है बाप और बेटा जैसे होता है, इसी तरह का रिश्ता होता है। अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अदब और आदाब का ख्याल रखा जाता है। अरे आम फन नहीं है, ये आम वो नहीं है कि जैसे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से ले लें, तो हमारे लिए हमारे वालिद यूनिवर्सिटी, हमारे भाई यूनिवर्सिटी जैसे ये हैं हमारे लिए यूनिवर्सिटी, इनके लिए कि इनसे कोई बात पूछनी हो तो वो दायरे रहनुमाई करते हैं, बड़े भाई हैं उनसे रहनुमाई लेते हैं। तो रहनुमाई के बगैर जो ना इसमें मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितने ही काबिल हो, जब तक उस्ताद का हाथ नहीं होगा ना वो कामयाब नहीं हो सकता। ए रे याले पिया बेने अरे नि नि धनी धनी नि 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 धा मा मा गा मा गा मा गा रे गा रे धा रे धा ए रे याले पिया बेने अरे नि नि धनी धनी नि नि धा मा मा गा मा गा मा गा रे गा रे धा ए रे याले पिया बेने।
रब ने कैसे गुन गाए, गुरब ने कैसे। मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जिनकी आवाज नहीं हो सकती गा सकते? हाँ, बाथरूम में हमारे यहाँ नहीं है क्या? पर साथ पते नहीं उससे थोड़ी अच्छी हो जैसे गुन गाए, गुर न माने तो गुन नहीं आवे, गुनियन में बेगुनी कावे, गुर में कैसे गुन गाए। जो ट्रेन आप जो ट्रेन की बात कर रहे हैं उसमें ये होगा कि थोड़े से मॉडर्न कलाम आ गए, आसान कलाम आ गए, समझ लीजिए आप, तो बेसिक हो तो ख़त्म नहीं हो सकती, मौजूद है सब, सुनने वाले भी मौजूद है, पढ़ने वाले भी मौजूद हैं। और अभी थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं नहीं जो असल कवाली जो है, असल जो समा तो अपनी जगह पर ही है, अगर वो पढ़ेंगे तो आम जो आजकल के जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही जो कलाम हो रहे हैं और मुख्तलिफ शादियों में हो रहा है, समा का कोई ताल्लुक नहीं। कव्वाली पूरी दुनिया में हो रही है, गैर मजहब भी कर रहा है, अब कोई पॉप सिंगर नहीं है। अब कोई पॉप सिंगर नहीं, सब कव्वाल है, आते वर्तलम अजीगर कियानी, आप किसी को भी उठा लें, सारे लोगों के समझ में आ गया यार ये जो है ना ये बुनियाद है, असल ये बेसिक जो है ना बेसिक, वो बेसिक हमारी यही है। इश्क का दस्तूर निराला देगा उसको छुट्टी ना मिले जिसका सबक याद है। कोई सूफी में भाई जिसको इश्क मोहब्बत हो गई तो वो फिर हमें हमारे अपने दोस्त ऐसे हैं जो इसमें इन चीज़ों को नहीं जानते, लेकिन वो जब उन्होंने एक बार समा की महफिल अटेंड की या कव्वाली सुनी या कोई ऐसा कलाम सूफियाना सुना तो वो फिर वो कहते हैं यार हमें समझ में नहीं आ रहा, हम तो इंग्लिश स्पीकिंग है लेकिन ये क्या चीज़ें पता नहीं है, अंदर कुछ होता है। बहुत कठिन है चंगर बंद कैसे के भर लाऊं मधुआ से, बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की, अरे कैसे के भर लाऊं, हाँ कैसे के भर लाऊं मधुआ से मट की, टाइमिंग एक याद में प्रोग्राम था तो उसमें हमने कुछ लोगों को बुलाया हुआ था, तो आम लोगों को भी बुलाया हुआ था, एक होटल के ऑनर है हमारे दोस्त हैं तो टाइमिंग ही लोग तो बैठे थे महफिल में, तो अचानक सुनते सुनते ना अच्छा क्योंकि जाहिर टाइमिंग की याद में तो प्योर मतलब ओरिजिनल सूफियाना ही कलाम चल रहे थे उसमें, और उसको फोटो भी समझ नहीं आती सही तरह, और बीच में ना मैं हमने देखा बीच में तो बंदा बाहर चला गया जो रेस्टोरेंट का ऑनर था, वो बाहर चला गया, एक बाद मिला उतना रो रहा था, तो भाई क्या भाई तू बीच में मैसेज छोड़ दी चली, अरे भाई मेरा कलेजा फट रहा था। हरी हरी चुड़िया गोरी गोरी बहिया, हरी हरी चुड़िया गोरी गोरी बहिया, बाकी गोरी गोरी बहिया, बाकी गोरी बहिया, बाकी गोरी, हरी हरी चुड़िया गोरी गोरी बहिया, भैया